गाड़ी नंबर क्या है, किस कलर की गाड़ी है? व्हाइट करोला। सही है, अभी चेक करके आपको बताता हूँ। चलो जवानो, चलो जवानो, गाड़ी चेक। डैड है पीछे, डैड है। चले आप ही हटे पीछे, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। नजीब गाड़ी की तलाशी लो अच्छी तरह। अच्छी तरह तलाशी लेना नजीब। चाबी मिली है। अच्छी तरह चेक करो, आप लोग पीछे हटे प्लीज। नजीब डिग्गी खोलो जरा। सर इसमें तो लाश है। बहुत बुरी तरीके से मारा इसको तो। चले पीछे हटे पीछे। बोले भाई नजीब इसकी तलाशी लो, पीछे हटे सब। सर इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो। चले आप भी पीछे हटे। हेलो चिपा, ये फटाफट लेके आ जाए इधर, एक डेड बॉडी मिली है, व्हाइट रंग की करोला, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, फटाफट आ जाए। हटो भाई हटो, मार इनको डंडे। लिया भाई लिया। ये पब्लिक को तो हटाओ, 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 एक तरफ हटो भाई, हटो भाई, पीछे पीछे पीछे, हटो भाई, पीछे पीछे, हटे हटे पीछे, हटे हाथ लगाए। यार आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पीछे हट जाओ। पुलिस के मुताबिक मार्च 2010 को पुलिस को इत्तला मिली कि नाजमाबाद के इलाके रिजवे सोसाइटी में एक लावारिस कार कल रात से खड़ी है जिसके दरवाजे भी लॉक नहीं है। इस इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर जाए वकूर और पहुंची और गाड़ी की तलाशी के दौरान जब पुलिस ने गाड़ी की डिग्गी को खोला तो उससे एक तशद्दुद्ज़दा लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश को अस्पताल रवाना करने के बाद गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया था, जबकि दूसरी तरफ शाह फैसल पुलिस स्टेशन पर। सर तीन दिन कबल मेरा छोटा भाई अपने दोस्तों के हमरा गया था, वापस नहीं आया। तीन रोज हो गए आपके भाई को गायब हुए हुए और आपको आज ख्याल आ रहा है रिपोर्ट लिखवाने का? सर पहले दिन उसका फ़ोन आया था कि वो अपने दोस्तों के साथ है और रात घर नहीं आएगा, इसीलिए हम मुतमईन हो गए। लेकिन अब तो दो रोज़ हो गए, कोई इतला ही नहीं है। तो दूसरे रोज़ भी नहीं आया? सर अब तो उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। आपके भाई का क्या नाम है? वकास, वकासुद्दीन। आपका भाई कहीं काम वगैरह, मेरा मतलब क्या जॉब करता है? सर वो एक गैर मुल्की बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर है। तो आपने बैंक से पता किया? जी सर, वहाँ भी नहीं पहुँचा। आपके भाई की उम्र क्या है? ये कोई 30-32 साल। नौजवान आदमी है, हो सकता है दोस्तों के साथ ही हो, आ जाएगा, आप फिक्र मत करें। नहीं सर, वो जब भी कभी बाहर जाता है इतला ज़रूर कर देता है। ये तो बताइए कि वो घर से अकेला गया था? जी सर, मैंने बताया ना कि वो अपने दोस्तों के पास गया। अपनी गाड़ी में गया था? सर उसे अपने बैंक से गाड़ी मिली थी, उसमें गया था। आप अपने भाई के दोस्तों के नाम जानते हैं? किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, वो तो एक शरीफ आदमी है, उसकी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है। सर आज सुबह जब वो गाड़ी में से लाश बरामद हुई है, कहीं वो
पुलिस के मुताबिक नाजमाबाद से गाड़ी में मिलने वाली लाश 2 दिन पुरानी थी और बैंक मैनेजर वकास ही की थी, जिसकी शिनाख्त उसके भाई रियाज ने की थी। मकतूल के भाई रियाज के मुताबिक उनकी किसी से कोई जाती दुश्मनी या रंजिश नहीं थी और मकतूल ऑफिस से सीधा घर आता था। इसके दोस्तों का हलका भी महदूद था, इसलिए वो किसी पर अपने भाई के कत्ल का शुबा जाहिर करने से कासिर थे। ये कत्ल भी पुलिस के लिए एक मुअम्मा बना हुआ था, क्योंकि पुलिस के सामने अभी इस कत्ल के कोई भी मुहर्रिकात सामने नहीं आए थे। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मकतूल के भाई रियाजुद्दीन को थाने बुलवाकर अपनी तफ्तीश का आगाज किया। अच्छा, आप ये बताइए कि उनकी जेब में ज़्यादा रकम होती थी? नहीं, रकम तो शायद नॉर्मल ही होती थी, लेकिन क्रेडिट कार्ड ज़रूर रखते थे जो उस दिन गायब हो गया। ओह आई सी, क्रेडिट कार्ड किस बैंक का? उनके अपने बैंक का। अच्छा ये बताइए कि जब वो गायब हुए थे तो कोई फोन वगैरह आया था? मेरा मतलब है कोई तावान वगैरह? नहीं, सिर्फ पहले दिन फोन आया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, रात को घर नहीं आऊँगा। ये बताया था कि किन लोगों के साथ हैं और कहाँ हैं? इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। देखिए, आपसे एक पर्सनल बात करनी है, आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये कानून का एक हिस्सा है। आपकी जो जायदाद है वो किसके नाम पर है? जायदाद तो वालिद साहब के नाम है, वो तो माशाल्लाह अभी हयात है। राज साहब, आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपका गम तो कम नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करके आपको खुशखबरी ज़रूर दूंगा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा नेक भाई था, ज़ालिमों ने उसे मार दिया। शकील, इन्हें दरवाजे तक छोड़ो। तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड निकलवाया CPLC से, और मोबाइल फ़ोन का तमाम रिकॉर्ड निकलवाया। तो इस केस में थोड़ी बहुत मदद जो है मुदई मुकदमा ने खुद भी की थी। मकतूल जो है वो बैंक मैनेजर था, लिहाजा उसके पास क्रेडिट कार्ड काफ़ी थे और उस पर वो ख़रीदारी वगैरह भी हुई थी। तो उसने फिर बैंक वालों से रब्ता करके उसकी पेमेंट जो है स्टॉप करवाई, और जहाँ जहाँ ख़रीदारी हुई थी वहाँ से हमें उसका रिकॉर्ड मिला, उसकी फ़ोटोज वगैरह हमें मिली।